Hey guys, assalamu alaikum. This is Mini Ali and welcome to my YouTube channel. तो आज आना था हमें मार्केट, क्योंकि एक कबर्ड लेना है, जो शू रैक का एक कबर्ड लेना है, क्योंकि आजकल आया हुआ है शू रैक का, तो वो लेना है। क्योंकि ऐसे पता है, मैंने बताया था घर की सेटिंग पूरी आउट हुई है, कि मतलब जो सामान वगैरह जो हमने इधर से उधर जो किया, तो घर की बात है, वो थोड़ा चेंजेस वगैरह आई हैं, तो हमें शू रैक भी लेना था, तो वो लेने जाना था, लेकिन शायद जा ना पाए। तो अभी 8 तो बज ही गए, और पता है फर्नीचर मार्केट वगैरह जो है वो बंद हो जाती है 9 बजे तक, जहाँ हमें जाना है। और अब देखते क्या होता है, वरना हम लोग लेने तो शू रैक गए थे, लेकिन हम लेके आयरन स्टैंड गए थे, क्योंकि वो तो हमने शू रैक का मालूम किया था, तो उसने कहा कि आपको इस आयरन पे करनी है, फिर आपने कबर्ड में सामान वगैरह भी रखना, कैबिनेट्स वगैरह का, तो आप आयरन स्टैंड ले। तो हम ये लेकर आए, तो अब हमें हो रहा है कि अब जाते पहले शूज़ वगैरह हम आयरन स्टैंड में तो रखने से रहे, तो अब शू रैक तो लेके आना ज़रूरी है। और ऊपर से ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये है बिल्कुल खाली, तो हमने कहा कि इधर ही रख देंगे ये, अगर शू रैक नहीं आया तो फिर मैं दूसरा भी मिरर लेकर आऊँगा। और हाँ, मैंने एक और बात बताई थी पिछली वाली ब्लॉग में, बताई थी या इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाई थी, अभी जो मैंने इससे पहले जो ब्लॉग बनाई उससे ही पहले शायद मैंने बताया था कि अपने मिरर के बारे में, कि वो ऐसा कि मैंने बहुत बुराइयाँ निकाली थी, लेकिन वो मुझे गलतफहमी हुई थी, क्योंकि उसमें एक चीज़ थी और वो मैंने जिससे मैंने मंगवाया था, मैं उसको कॉन्टेक्ट किया, मैंने उसको बहुत सुनाई, फिर उसके बाद मेरे पैसे खर्च वगैरह हुए, तो मैं कंप्लेन करूँ कि अगर नहीं ठीक तो फिर आप जो है ना मुझे पैसे रिटर्न कर दो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। फिर उसने बोला कि आपने इसको रखा हुआ है, तो मैंने बताया कि इसको जैसे इसका स्टैंड है इस तरीके का, ये सॉरी मेरा कैमरा बोल रहा है, कि मैंने जो इसका जो ये स्टैंड जो था मैंने वैसा रखा हुआ, तो उसने बोला कि आपने फुल इसको खोल के रखा हुआ होगा, तो मैंने कहा हाँ, तो बोलने की धरती पर आप इसको यूँ रखेंगे बिल्कुल 24 घंटों के लिए, मतलब जब से ये आपके पास आया है धरती पर, तब ये आप जब इसको यूँ रखेंगी तो ये ऐसा टिका हुआ होगा, मतलब पीछे की साइड ये झुका हुआ होगा, जाहिर सी बात है तब ये झुका हुआ होगा तो ये चीज़ टेरी होगी। अब पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना, कह रहे मैंने तो ये पहली बार सुना है कि उसको ऐसे रखो तो ये वो हो जाता है, लेकिन मेरे पास चीज़ें तो आती है, तो खैर मैंने इसको जो है ना, इसका स्टैंड जो है फुल खोल के रखती थी ना, जैसे इसको फुल मैंने यूँ करके रखा हुआ था, तो हम जो है ना मैं इसको थोड़ा सा जो है ना यूँ करके रखती हूँ, ये गिरता नहीं है, ये टिका हुआ होता है इसमें। तो ये करते हैं, मुझे 3 दिन हुए और ये 3 दिन से ये ऐसे ही स्ट्रेट, मतलब इसका जो स्टैंड जो फुल यूं था और ये जैसे पर झुका हुआ था, तो ये 3 दिन से बिल्कुल ये स्ट्रेट है, तो इसमें पता है ये मसला हो गया था, ये ना ये यूं आके, बल्कि ये ना यूं आके ये यूं आ रहा था, सी शेप में आ रहा था ये, जब मैं इसको 3 दिन तक मैंने इसको ऐसे ही रखा तो ये बिल्कुल ये देखें ये स्ट्रेट हो गया है। और जब पिक्चर्स वगैरह बनानी होती है मैंने, तो मैंने इसको और कम कर दिया था, अब इसमें गैप था, मैं इसको गैप कम करके फिर मैं इसमें इस तरीके से पिक्चर्स वगैरह या वीडियो वगैरह होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो ये है, अब ये जो है ना जैसे ये सी शेप में जो आ रहा था, खैर मैंने इसको जब मैंने बताया तो उनको, तो उन्होंने कहा था आपकी बात ठीक है, जैसी बात आपके पास चीज़ है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे इस पर, तो आपको जैसे पैसों का दुख होता, तो उसने कहा था आप ये करके देखें, क्योंकि ये मिरर्स में कभी कभार होता है। अब मैंने तो पहली बार सुना था, क्या वैसे भी, और मैंने और लोगों का भी सुना कि और लोगों ने मंगवाए थे, लेकिन वो कभी ऐसे होते ही नहीं थे। तो अब जब मैंने इसको ऐसे ही रखा तो ये बिल्कुल ना स्ट्रेट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट हुआ जाते फिर ये, मतलब मैं स्ट्रेट खड़ी हो रही हूँ और मैं कह रही मेरे क्वालिटी वगैरह सही नहीं, तो अब ये बिल्कुल ठीक है, मुझे अब वो नहीं हुआ, वरना मैं अभी जो है ना, अभी जो मैं मार्केट जा रही थी शू रैक लेना अपनी अम्मा वगैरह के साथ, तो मैं दूसरा मिरर भी अपने साथ लेकर आती, वो इससे अच्छा चौरा वगैरह होता, लेकिन अब मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि फिर मैं उसकी जगह कोई और पैसा खर्च कर दूंगी, तब ये एक चीज़ तब ठीक हो गई है तो मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। और ये मैंने मिरर लिया था कि जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि हमने घर की सेटिंग वगैरह थोड़ी चेंज वगैरह की है, तो हम लोग अपना जो हमारा जो रूम है ये सामने वाला, तो हम उसको रेनोवेट करेंगे, मतलब रूम मेक ओवर करेंगे, कि दूसरा बेड सेट लेकर आएंगे, बेडरूम सेट वगैरह,
तो मैं ये मेरा टब लगाऊंगी जाके, बाद फिर कमरे की वॉल वगैरह भी ठीक होंगी, या तो पेंट होंगी या वॉल पेपर्स वगैरह लगेंगे, तो फिर मैं मेरे को अच्छे तरीके से सेट वगैरह करूँगी जहाँ मुझे होगा कि मैं कहाँ एडजस्ट कर पाऊँगी तो वहाँ करूँगी। लेकिन घर के बाद वो टाइम तो लगता है बेडरूम वगैरह सेट करने में, रूम को सेट करने के लिए, तो वो करना है कि थोड़ा टाइम है। तो ये है कि अब पूरा सेट वगैरह होगा फिर मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगी, फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा आएगा, वरना मैं इसको लाउंज में रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि फिर रूम में फिर जाहिर सी बात है अब पेड़ वगैरह वो हो गया तो अच्छा बैकग्राउंड आता नहीं। लेकिन अब इंशाल्लाह 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 वो आप दुआ करें कि नेक्स्ट ब्लॉग आए कि हम लोग रूम को मेकओवर करें, मतलब अच्छे तरीके से रूम को रेनोवेट वगैरह करें, तो उसके ब्लॉग वगैरह तो फिर मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये है मिरर की कहानी, इतनी कोई लंबी थी तो मैंने कहा क्लियर कर दूँ। ये थी मैंने इतनी बुराइयाँ की थी अपने मिरर की उस वाले ब्लॉग में कि इसमें ये खराबियाँ वो खराबियाँ। अब जाहिर सी बात है मैंने उसको कॉन्टैक्ट वगैरह किया, मैं उसको कंप्लेंट की कि ये आपने ऐसी ऐसी चीज़ दे दी मुझे, फिर उसने बताया कि आप ये करके देख लें एक बार, तब मैंने वो करके देखा तब एक चीज़ ठीक हो गई, फिर मैं दूसरी चीज़ क्यों लेकर आऊँगी, वरना मेरा ये था ये बार मेरा मेरे लिए गिफ्ट था तो मैं इसको दूसरे रूम में रख देती और मैं अपने लिए नया लेकर आ जाती, लेकिन तब एक चीज़ अब ठीक हो गई है तो मैं क्यों लेकर आऊँ। तो मेरे कारण तो ये थी, अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। और मेरा ये था कि कुछ खाने को बनाए विंग्स वगैरह, लेकिन बिल्कुल पे हिम्मत नहीं हो रही कुछ बनाने की, तो मैं चेंज वगैरह किया, मैं फ्रेश वगैरह हुई तो बैठी हुई थी, मैंने कहा तो बालों को कुछ कर ले, तो मैंने ये कर्ल्स किए हैं बालों को, और ये इतने को इतने मज़े के हुए हैं और बहुत ही सस्ते में हुए, आप लोग भी बोलेंगे सस्ते में, क्योंकि ये जो मैंने इस मशीन से किए हैं ऐसी बात है, लेकिन ये इतने अच्छे बाल जो हुए ना ये जो कर्ल हुए वो हैं इस मिनी प्रोडक्ट से, बहुत अच्छा ऊपर से इतना हीटअप, मतलब है बच्चों वाली चीज़ लगता है बच्चों के इस्तेमाल के लिए, लेकिन इतना मज़े से ये हीट दे देता है, 5 सेकंड के अंदर इतना को ये हॉट हो जाता है। और ये क्योंकि मैंने बटरफ्लाई कट लिया था तो उसके लिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट थे, अगर जिनके पास कर्ली होते तो उनको बटरफ्लाई कट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो लोग अपने बालों को तब फुल बांधते हैं ना तो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह उसकी कटिंग आ रही होती है, तो मेरे पास स्ट्रेट थे तो मुझे जिससे मैंने करवाए थे उन्होंने बोला था कि आप जो है ब्लो डाई ले लिया करें, कि आप कहीं जाना हो तो ब्लो डाई कर लें तो आपकी बिल्कुल बटरफ्लाई कट की तरह बहुत मज़े के कर्ल लगेंगे आप लोगों को। लेकिन मुझे हेयर ड्रायर है, ब्लो ड्राई नहीं है मेरे पास, लेकिन उससे भी हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हीटअप दे देता है वो, लेकिन मुझे आता नहीं, लेकिन ये कि मैंने कर्ल कर लिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हुए हैं मैं ये, और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसमें मैं बहुत मज़े के लुक दे फ्रेश वगैरह हुई थी, मैंने चेंज वगैरह किया कि बोरियत वगैरह हो रही थी और कहीं जाना वाना भी नहीं है, वो ना जाना तो था लेने मार्केट वगैरह लेकिन जा नहीं सके, क्योंकि अब जैसे बैठे टाइम हो रहा है 9 तो बजेगा, जो मैंने 8 बजे 8 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया। तो इसे आज आ रही है, मेकअप वगैरह भी किया थोड़ा सा कि ब्लॉग वगैरह में थोड़ा सा अच्छी आ जाऊँ मैं, और बालों को मैंने पीछे की तरफ करके बांध दिया और कुछ इस तरीके से लग रहा है पूरा पीछे से बिल्कुल बटरफ्लाई लुक, जिस लुक के लिए मैंने कटिंग करवाई थी वही लुक का है ये। फिर सस्ते में तो अच्छे बाल हो गए मेरे, कमरे में लाइट ही नहीं है, दूसरे कमरे में लाउंज में आ जाते हैं। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं है, क्या करूँ क्या बातें करूँ मैं, आप लोग वैसे कुछ बता दें कि क्या अच्छा नेक्स्ट व्लॉग, अगर आप लोगों को डोनट्स की चाहिए कि डोनट्स की रेसिपी, क्योंकि मैं डोनट्स बहुत मज़े के बनाती हूँ, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि डोनट्स चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब उसकी रेसिपी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो ऐसी बात है वो फिर एक दो तो बनते नहीं, फिर वो तो सारे बनते हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो करने के लिए फिर ही मैं बनाऊँगी, वरना मैं इतनी देर के चलो करो के फिर मैं तेरी मैं तो करूँगी नहीं। तो ये है कि वैसे जाना तो बाहर था लेकिन
ये तक ये ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर चलें ये बाहर, दो तीन क्लिप्स करके बन जाए, फिर बाहर की बन जाए, लेकिन बाहर जाना ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा घर की, अब जब मैंने स्टार्ट कर ही दी है फिर मैं घर की बना लेती हूँ। तो ये है कि मैंने कपड़े भी चेंज दूसरे पहनने थे, आ रही हूँ दूसरे पहनने थे ये बात, तो मैंने आयरन करके रख देती हूँ मैं साइड पे, फिर उसके बाद कल पहन लूँगी वो चुपके दर बार, फिर वो हुए में होंगे। ठीक है, इसे बहुत ही ज़्यादा कोई बोरियत हो रही है तो मैं क्या टीवी देख लेते हैं, और कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है कि कुछ मीठा मिल जाए, जैसे कुछ पैनकेक्स वगैरह हो, लेकिन अफसोस कोई है ही नहीं खिलाने वाला पैनकेक्स वगैरह। बन तो घर में भी सकते हैं, बनाती हूँ घर में, लेकिन अब वो बैठे बिठाए और वो वाले पैनकेक्स ही मिलेंगे जो उधर हैं। मैं आप लोगों को एक जगह बता देती हूँ, तो उनके इतने मज़े के होते हैं, आप लोग चाहें तो घर पर भी मंगवा सकते हैं। नहीं, घर में तो एक्सपेंसिव पड़ते हैं, उधर जाके खाएंगे तो सस्ते पड़ेंगे, ज़्यादा ऐसी बात है। डिलीवरी चार्जेस लगते हैं 300, उसके डिलीवरी चार्जेस लगता है। मैंने एक बार ही घर में मंगवाया, लेकिन बाहर जाके खाया ज़्यादातर। तो एक सेकेंड में कॉल आ गया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि चार मीनार है ना, ताई उपल चार मीनार है, उधर ही है द वॉफिल बार, बार है लेकिन उधर वो लिखा हुआ ऐसे लगता है दार लिखा हुआ है, लेकिन वो है बार। उधर के पैनकेक्स, मिनी पैनकेक्स होते हैं, होते ही बहुत मज़े के। उधर से शायद 600 या 700 के पड़ते हैं, और अगर घर मंगवाओ तो 300 डिलीवरी चार्जेस होते हैं, तो 1000 के पड़ता है। तो मैंने मंगवाए थे लेकिन वो 1000 के नहीं, वो 1100 के मुझे पड़े थे, तो मैंने कहा कि ना ना बाबा घर में नहीं मंगवाऊँगी, मैं बाहर जाके खा लूँगी। लेकिन ये है कि अब जाना ही नहीं हो रहा, मैं कैसे जाऊँगी अब। और उसमें न्यूटेला भी डली हुई होती है, हालांकि मैं लेती हूँ तो वो एक तो मैं नाम उसका भूल जाती हूँ, लेकिन उसमें पैनकेक्स होते हैं और सिंपल सिर्फ न्यूटेला डली हुई होती है, और कुछ मैं सिंपल वाले खाती हूँ, उसमें सिर्फ न्यूटेला होना, उसमें और भी फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें जैसे ब्राउनीज वगैरह भी डली हुई होती हैं, क्रश हुई और ओरियो भी उसमें डला हुआ होता है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। हालांकि उसके ऊपर आइसक्रीम भी डाल के दे देता हूँ, अगर वो ऑप्शन में होती है कि आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा चार्जेस दे के ले सकते हैं। नहीं, मुझे आइसक्रीम वगैरह पसंद है नहीं, तो मैं सिंपल न्यूटेला वाले खा लेती हूँ, जो होते ही बहुत मज़े के हैं। ये कि घर में बना लो तो घर में रहती पाते, वो चीज़ नहीं बन पाती जो बाहर मिलती है। तो तब से मैंने वो बाहर के खाए, तो मैं घर पे नहीं बनाती, वरना मैं घर पे ही बनाती। तो ये था कि ये कि इतनी बोरियत वगैरह हो रही, तो मैंने अगर टी वी देख रहे तो किसी के ब्लॉग्स वगैरह, अपने ब्लॉग भी बनाते रहेंगे, दूसरे के ब्लॉग्स भी देखते रहेंगे। तो ये है कि अब देखते खाना कब बनता है, भूख भी लगना स्टार्ट हो गई, हालांकि शाम में समोसे वगैरह खा लिए हैं, सुबह फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे इतनी देर से अपनी ही बातें कर जाती, अपना आपको दिखाई, कुछ और दिखाई नहीं, जब मैं कहीं जाए नहीं तो मैं क्या दिखाऊँ। मैंने कहा ब्लॉग भी बन जाएगी और मैं सारी बातें भी कर लूँगी, तो मैंने कहा मैं इस ब्लॉग को इधर से एंड कर दूँ। मैंने पूरी ब्लॉग में बहुत बातें की हैं, सारी बातें कर दी मैंने, तो अगर आप लोग को मेरी इतनी बात अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करनी भूलें कि मेरी हर आने वाली वीडियो तो आप लोग सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो से अच्छे लगे थम्स अप दें, मैं इस वीडियो को दर्शन करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।